तो देखिए, कई लोग हेवी साड़ी खरीद तो लेते हैं, लेकिन उनको ना सही ढंग से पहन नहीं पाते, जिनकी वजह से जो साड़ी का लुक होता है प्लस प्राइस होता है वो भी कम हो जाता है और बहुत ख़राब दिखता है। तो आज की वीडियो में हम हेवी साड़ी को संभालने का अलग-अलग तरीका सीखेंगे। सबसे पहले तो शेप वियर वाली पेटीकोट पहनने से जो लोग हिचकते हैं, पहले उनकी प्रॉब्लम मैं दूर कर देती हूँ। देखिए, अगर आपको लगता है कि आप हेल्दी हो और शेप वियर वाली पेटीकोट पहनने से आपकी जो थाइज हैं वो आपस में चिपकेंगी और चलने फिरने में आपकी रैशेस पड़ जाएंगी, तो आप मेरी तरह ना ये शेप वियर इस्तेमाल कीजिए जो मैंने टमी को कवर करने के लिए पहना हुआ है। ये कुछ इस इतने दूर तक आई है मेरी, जिसके वजह से जो थाइज होती है ना वो आपस में नहीं टकराएंगी और बीच में आपका काफ़ी अच्छा एक लेयर रहेगा। तो उसके बाद आप चाहो तो इस तरीके की जो शेप वियर वाली पेटीकोट होती है आप इसको पहन सकते हो। देखिए, यहाँ पे ना ऐसी पेटीकोट जो होती है वो आपके लिए कई तरीके से बेनिफिशियल है। एक तो यहाँ पर आप देखिए रबर यूज़ की हुई है, प्लस यहाँ पर आपको एक अलग से डोरी भी दिया जाता है, क्योंकि रबर जो है इलास्टिक रबर बैंड वो अकेला आपकी हेवी साड़ी की जो हेवीनेस होती है उसको नहीं संभाल पाएगी, तो इसलिए वो डोरी भी दी हुई है। तो आप डोरी को इतना ही टाइट बांधिए जितना कि आप बांधने के बाद आराम से सांस लेने में कंफर्टेबल रहें। चलिए अब आ जाते हैं साड़ी की ड्रेपिंग पे। तो अगर आपकी भी साड़ी इस तरीके की है कि साड़ी जो है वो हल्की तो है लेकिन नीचे की तरफ उसकी बॉर्डर ज़्यादा हेवी होने के कारण थोड़ी सी वो नीचे से भारी हो गई है, तो आप हमेशा ऐसी साड़ियों को एक राउंड टक करने से पहले इसकी एक कॉर्नर पर एक छोटी सी नॉट बना दीजिए। ये नॉट रहेगी तो छोटी सी लेकिन बहुत ज़्यादा काम करेगी आपके लिए। तो इसी तरीके से आपको एक बेसिक राउंड कंप्लीट करना है। बेसिक राउंड जब भी आप लगाते हो तो नीचे की तरफ लेंथ आप अपनी केवल इतनी ही रखिए जिसमें कि आपका जो एड़ी है और जो फिंगर है वो आसानी से हाइड हो जाए। तो यहाँ पे मेरी वन राउंड कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं साड़ी की दूसरी एंड पे, जो कि है इसका पल्लू वाला हिस्सा। पल्लू वाले हिस्से को हमें ठीक ऊपर वाला ये ऐसे पकड़ते हुए ही जाना है ताकि बॉर्डर जो रहे वो उल्टी पुल्टी ना हो जाए, और यहाँ पे हमें इसका ऊपर वाला हिस्सा पकड़कर पीछे की साइड से घुमाना है। देखिए, आप ना थोड़ी सी लाइट हैंड से ही अपनी भारी साड़ियों को पहनिए, क्योंकि ऐसी स्टोन वर्क वाली साड़ियाँ जो होती हैं बहुत ज़्यादा चांसेस होता है उनके स्टोन्स के निकलने का। तो इसीलिए आप अगर चाहते हो कि आपकी साड़ी की लाइफ ज़्यादा लॉन्ग रहे तो आप आराम आराम से पहनिए भारी साड़ी को। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि इसकी वेट काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से अगर आप ये वाला ट्रिक यूज़ करोगे तो हो सकता है आपका जो प्लीट रहे वो बनने से पहले ही निकल जाए। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, आप हेल्पिंग टूल का इस्तेमाल कीजिए। ये पेग है जो कपड़े सुखाने में यूज़ होती है। अब इस पेग को आप चाहो तो इस तरीके से आप अपनी जो पल्लू है उसके ऊपर सेट कर सकते हो। जितनी चौड़ी आपको प्लीट चाहिए ना उतने डिस्टेंस पे दो पेग को आप सेट कर दीजिए, और बस अब आप अपनी आगे वाली फैब्रिक को जिगजैग मूव कीजिए और एक एक करके अपनी पेग में इसको आराम से दबाते हुए चलिए। इससे ना तो आपका प्लीट फिसलने वाला है और ना ही आपका ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट होने वाला है। तो ये देखिए, मेरी तो यहाँ पे प्लीट जो है वो आराम से बन गई। अब हमें क्या करना है कि इनको निकालना है, इनकी ऊपर जैसे पेग लगे हुए हैं ठीक उसी तरीके से हमें लगा देना है, क्योंकि हमें कोई चांस नहीं लेना है कि प्लीट अरेंज करते वक्त अगर ये हमारे हाथ से फिसल गई तो फिर से दोबारा ये मेहनत करना पड़ेगा। तो अब हमें केवल नीचे वाली जो फैब्रिक है उनको उन्हीं सीक्वेंस में गैदर करना है जैसे हमने इनको अरेंज किया था। अरेंज करने के बाद आप रख लीजिए इनको अपनी लेफ्ट साइड की शोल्डर पे, और देखिए शोल्डर पिन जो है ना लगाते वक्त कई लोग गड़बड़ी करते हैं। माना कि यहाँ पे मैंने स्लीवलेस ब्लाउज़ पहना हुआ है, लेकिन ब्लाउज़ मैटर नहीं करता कि आपने किस तरीके का पहना हुआ है। जब भी आप अपनी ये शोल्डर प्लीट लगाते हो तो कोशिश कीजिए कि कंधे से वो बिल्कुल थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ रहे,
और ये जो पिन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, है नॉर्मल पिन, लेकिन अंदर की तरफ मैंने इसकी कॉटन डाल दिया है। कॉटन डालने से क्या होता है कि भारी साड़ियाँ या फिर उसके स्टोन्स या फिर आपकी ब्लाउज बिल्कुल भी डैमेज नहीं होती है, फैब्रिक आपकी डैमेज होने की चांसेस कम हो जाती है। तो आप ज़रूर ये प्रिकॉशंस यूज़ कीजिए ऐसी साड़ियों में और साथ ही डिज़ाइनर ब्लाउज़ों में। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ना जो मेरा प्लीट है, शोल्डर वाला प्लीट, इसको मैंने कंधे से थोड़ा सा बाहर रखा है। और ठीक अब इसको आप लगाइए यहाँ पे, जितनी दूर तक आपका हाथ जाता है आप वहाँ पे पिन लगाइए। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है। अब ये जो इसका दूसरा वाला बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर को आपको कुछ इस तरीके से सेट करना होगा, नहीं तो आपका जो फ्रंट वाला हिस्सा होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा हेवी और बोल्ड लगेगा। तो आपको थोड़ा सा, अगर चाहते हो आपकी स्लिम दिखो या फिर आपका जो सामने वाला पोर्शन है वो पतला दिखे, तो उसके लिए आप ये वाली ट्रिक यूज़ कीजिए। नहीं तो अगर आप चाहोगे कि ये पूरी आपकी नेक से होकर गुजरे, तो देखिए ये कैसे आपकी पूरी सामने वाली जो बॉडी है उसको ये हाईलाइट करती है। तो इस तरीके से बॉर्डर रखिए यहाँ पे। अंदर की तरफ से आप चाहो तो केवल बॉर्डर उठाकर आप एक पिन लगा सकते हो, क्योंकि जहाँ पे हम पिन लगा रहे हैं वहाँ पे ब्लाउज़ के अंदर से पिन लगाना पॉसिबल नहीं है। तो पिन लगाते वक्त थोड़ा सा आप सावधानी बरतिए। अब ये जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर को आप घुमाइए और कमर के पास लेकर आ जाइए। कमर के पास मैं बिल्कुल भी आप लोगों का समय नहीं लूँगी ज़्यादा। कमर के पास आप कुछ इस तरीके से फैब्रिक को ट्विस्ट कर दीजिए और जितनी दूर तक आपको चाहिए आपका थाइस क्लीन दिखे आप उतनी दूर तक, अगर आपका मिल जा रहा है ये चीज़ ट्विस्ट करने से, तो बस आप वहीं तक ट्विस्ट कीजिए फैब्रिक, और ट्विस्ट किए हुए फैब्रिक में आप एक गांठ बना दीजिए एंड देन उनको टक कर दीजिए। जहाँ पे मैंने पेग लगाया हुआ है आप भी वहाँ पे पेग लगा कर रखिए, क्योंकि ये पेग जो है वो आपके जो कमर के पास आई हुई है ना बॉर्डर या फैब्रिक, उसको मुड़ने नहीं देगी। तो भारी साड़ियों में ना सेंटर प्लीट्स बनाना भी एक ट्रिकी पार्ट होता है, लेकिन आपको क्या करना है इसको इजी करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि पहले तो आप फैब्रिक को ऊपर उठा लीजिए और इस तरीके से आप अपने फिंगर को ऐसे फैब्रिक के नीचे ले जाइए। इससे क्या होगा कि आपका जो वेट होगा ना वो डायरेक्ट फिंगर पर ना पड़ कर आपकी पूरी फिंगर पर पड़ेगा। ऐसे क्या होता है ना कि कैंची वाले तरीके से अगर आप प्लीट्स बनाते हो तो होता क्या है कि उसमें केवल आपका जो साड़ी का वेट होता है केवल दो उंगली पे पड़ता है, लेकिन अगर आप ये तरीका यूज़ करोगे तो आपके पूरे फिंगर पे ये वेट पड़ेगा और इस तरीके से आपका प्लीट जो रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि नीचे की तरफ जो बॉर्डर है वो अभी तक सेट नहीं हुए हैं। अब देखिए राइट की जो ये प्लीट है, अगर आपकी चौड़ी है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको बाद में भी चौड़ी कर सकते हो। अब हर एक प्लीट को आपको देखना है कि बाहर की तरफ अच्छे से निकली हुई है या नहीं, और एक एक सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपको देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको राइट की जो फर्स्ट वाली प्लीट है उसको चौड़ी कर देनी है। देखिए राइट की प्लीट पे ना हम इतना ध्यान इसलिए देते हैं क्योंकि एक तो वो हमारी राइट के साइड से हमें एक शेप देता है, प्लस उसको और सारे प्लीट के साथ लेफ्ट की तरफ घूमना भी होता है। अब यहाँ पे पेग मैंने हटा दिया है, पेग हटा दिया है तो आपको उंगली उसी जगह पे रखना है और फिर सभी प्लीट को लेते हुए अंदर की तरफ टक करना है। पेग जहाँ पे मैंने लगाया था वहाँ से आपको उंगली तब तक नहीं हटाना है जब तक कि आगे वाली स्टेप जो रहे वो कंप्लीट ना हो जाए। अब यहाँ पे आपको अपनी ये कमर वाला हिस्सा, कमर वाला जो ये बॉर्डर है या फिर आप इसको कपड़ा बोल सकते हो, ये ना सिकुड़े उसके लिए आपको यहाँ पे एक पिन लगाना होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं ना फैब्रिक को देखते हुए एक डिज़ाइनर पिन यूज़ कर दे रही हूँ, क्योंकि साड़ी जिस तरीके की है उसी तरीके की अगर आप पिन लगाओगे तो थोड़ा सा लुक जो रहता है वो बढ़ जाता है। अब नीचे वाली जो बॉर्डर है ना इसको सेट करने के लिए आप देखिए हमें क्या करना है।
बस नीचे की तरफ से जो भी फैब्रिक है, जैसी भी गई हुई है प्लीट्स वाली, उनकी बॉर्डर को केवल हमें पकड़ना है और हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर देना है। ये देखिए, बस हो गया। तो लीजिए, सही गाइडेंस के साथ कितनी आसानी से ये हेवी जो साड़ी है वो ड्रेप हो गई है। और साड़ी की जो प्राइस होती है ना, वो साड़ी खरीदने से नहीं बल्कि साड़ी को पहनने से पता चलती है। अगर आप सस्ती साड़ी भी खरीदते हो और आप उसको सही ढंग से पहनोगे ना, तो उसकी भी प्राइस जो रहती है वो बढ़ जाती है। चलिए अब मैं आपको दूसरा तरीका सिखाती हूँ ये सामने की तरफ बस्ट वाले हिस्से को कवर करने का। इसमें क्या करना है आपको, आपका जो ये बॉर्डर है ऊपर वाला, इस ऊपर वाले बॉर्डर को आप स्ट्रेट कर दीजिए। ठीक है, हमने अभी कमर वाले हिस्से को सेट कर रखा है, पर यहाँ पे ज़्यादा हमें कपड़ा यूज़ नहीं करना है, तो ये इतने में ही हो जाएगा। आपको केवल इसको स्ट्रेट करना है और हर प्लीट को आपको इस तरीके से गैदर करना होगा। एंड देन इसमें आपको ये वाला हिस्सा को ठीक अंदर की तरफ दबा देना होगा। पूरी एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए आपके कंधे के पास, और ये वाला जो बॉर्डर है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए। अब आप ऊपर की तरफ चाहो तो यहाँ पे एक पिन लगा सकते हो। बस ध्यान रखिएगा आप कि आपका जो लेफ्ट वाला बस्ट है ना, वो अच्छे से कवर होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है सामने से बहुत सारे लोगों को ये फ्रंट फ्लैट पल्लू स्टाइल में, कि उनका जो लेफ्ट वाला साइड होता है वो साइड से पता चलता है, तो साइड से जब वो दिखता है ना तो अच्छा नहीं लगता किसी भी साड़ी में। तो आप कोशिश कीजिएगा ऐसी फ्रंट फ्लैट पल्लू में अपनी लेफ्ट साइड को ज़्यादा फोकस करें। अब चलिए, एक और भी ट्रिकी पार्ट है कि ऐसी भारी साड़ी की भारी पल्लू को कैसे सर पे रखें। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेना है हेयर विग वाला ये क्लिप, जिसकी की एक साइड होती है कंघी वाली और दूसरी साइड, आपने अगर वो क्लिप देखा होगा ना, नॉर्मल क्लिप जो होती है वो नॉर्मल क्लिप की तरह ही होती है, बस इसका जो होता है शेप एक साइड कंघी टाइप का होता है। अब इसमें हमें क्या करना है कि जो लास्ट वाली बॉर्डर है पीछे की तरफ, जो हमारी शोल्डर प्लीट की लास्ट वाली बॉर्डर है, उसको उठाना है, अपने सर पे डालना है, और सर पे आप घूंघट जहाँ तक रखना चाहो आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हो, मैं यहीं तक रखूँगी। तो इसका जो पतला वाला हिस्सा है ना, बॉर्डर नहीं, बॉर्डर मोटा हो जाएगा, तो इसका जो पतला वाला हिस्सा है साड़ी का, उस हिस्से में हमें ये क्लिप लगाना है। ऐसे तो इस क्लिप में ऐसे दो होल्स रहते हैं, तो आप अगर हमेशा ही घूंघट लेना चाहो तो इस क्लिप को आप स्टिच भी कर सकते हो, लेकिन अगर स्टिच नहीं करना है तो आप ये वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हो। और देखिए, इसमें भारी पल्ला आपका सर से कभी नहीं गिरने वाला, परमानेंटली सेट हो जाएगा। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।